नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि नगर परिषद का प्रयास है सभी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा सके। इसी के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के लिए शरद महोत्सव 2022 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेलते समय खेल भावना का परिचय दें और एकाग्रता के साथ अपने खेल पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है खेल प्रतिभाओं को निखार कर उनके खेल को सभी के सामने ला सकें। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला बैडमिंटन संघ के कोच मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता में 100 से अधिक खिलाड़ी बालक बालिका वर्ग में भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता सब जूनियर जूनियर के विभिन्न वर्गों में आयोजित की जा रही है। इस प्रकार की योजना के माध्यम से धौलपुर की प्रतिभाओं को अपने खेल में निखार लाने का अवसर मिलेगा और उनके मनोबल में वृद्धि होगी। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक विमल शर्मा, प्रियंका ढाका, सौरभ गुर्जर, अजय बघेल, अनिल मिश्रा, नसीम खान व बबलू खान ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच सोमवार से प्रारंभ होंगे। यह रहे परिणाम। गुरमीत कौर ने रश्मि चौधरी को 15-8, 11-15, 15-11 से, पृथ्वी पारासर ने प्रतिभा गुर्जर को 15-7, 15-8 से, पृथ्वी पारासर ने अध्यापक मोदी को 15-5, 15-3 से हराया। शरद महोत्सव 2022 द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण अंचल की बेटियों को भी प्रोत्साहन के लिए ये प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किया गया है। इस प्रतियोगिता में करीब 100 बालक बालिकाएँ भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने कहा कि आज के विद्यार्थी देश की भावी नागरिक हैं, इसलिए विद्यार्थी संस्कार एवं अनुशासन को जीवन में आत्मसात कर कड़ी मेहनत कर अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने का प्रयास कर आगे बढ़ें। जिला परिवहन अधिकारी शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में बतौर मुख्य अतिथि यूनिफॉर्म वितरण समारोह के दौरान बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में परिवहन विभाग के सहायक उप निरीक्षक अविनाश चौहान मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने 170 छात्रों को यूनिफॉर्म के रूप में लाल रंग की टी शर्ट एवं नीले रंग का लोअर प्रदान किए। इससे पूर्व डीटीओ के स्कूल पहुंचने प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष खरजीत, डॉक्टर अतल सिंह बघेल ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक सौरभ राजपूत ने किया। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने कहा कि शेरपुर स्कूल काफी समय से जिले के सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। संस्था प्रधान राजेश शर्मा के नवाचारों को जिले में ही नहीं संपूर्ण राज्य के शिक्षकों एवं स्कूलों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो गर्व की बात है। इससे शिक्षा के साथ सरकारी स्कूलों की महत्ता कायम हो रही है। एक सी गणवेश से छात्रों का रंग रूप निखारने के साथ उनमें आत्मसम्मान की भी अनुभूति होती है। इस अवसर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर अपने अपने परिजनों से भी उनकी पालना कराने का आग्रह किया। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने कहा कि आमजन में सरकारी स्कूलों के प्रति नजरिए में बदलाव आए और समाज में शिक्षकों की छवि निखरे। इसी मुहिम को लेकर कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही शेरपुर स्कूल का संचालन कर बेहतरीन पढ़ाई के साथ छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक सौरव राजपूत ने किया। इस मौके पर दीवान सिंह, चंदन, राहुल बघेल, विद्यालय के अध्यापक सत्येंद्र कुमार, राजेश कुमार, तराना देवी, पीटीआई रागनी, प्रबोधक रमा शंकर, शिक्षा कर्मी बिरकुलाल मौजूद रहे। 170 छात्रों को आज हमने भामाशाहों के सहयोग से यूनिफॉर्म के रूप में लाल रंग की टी शर्ट एवं नीले रंग का लोअर प्रदान कराया गया। अब हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी निजी स्कूलों की तरह टी शर्ट एवं लोअर की आकर्षक यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि शेरपुर विद्यालय सरकारी स्कूलों के रोल मॉडल के रूप में पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाए हुए, इसको कायम रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराएँ। समारोह के दौर में DTO साहब विजय कुमार मीणा साहब एवं यातायात विभाग के उप निरीक्षक अविनाश चौहान जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की खुद पालना करने एवं अपने अभिभावकों को भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का अनुरोध किया। थर्ड जेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी समाज कल्याण अधिकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं थर्ड जेंडरों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक लेकर पुलिस अधिकारियों को दिए
दिशा निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आज जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कार्रवाई करने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। अपराध गोष्ठी में 173 CRPC एवं 1 साल से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण CCTNS पर समय पर रिकॉर्ड एंट्री कराने, SC/ST के प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई पूर्ण कर समय पर चालान पेश करने, इनामी एवं वांछित अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने सहित यातायात अधिनियम की पालना नहीं करने के संबंध में किए गए चालानों की समीक्षा करते हुए सभी रत अधिकारियों थाना अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रक्षक दलों CLG व पुलिस मित्रों के साथ बैठक कर बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत एकटाम में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत होकर राशन डीलरों द्वारा पिछले कई महीनों से राशन सामग्री नहीं देने की शिकायत पेश की। जिला कलेक्टर के द्वारा परवादियों की व्यथा को सुनकर तत्काल जिला रसद अधिकारी और उपखंड अधिकारी बसेड़ी को मौके पर जाकर जाँच करने और वंचित लोगों को रसद आपूर्ति नियमित रूप से करवाने के निर्देश दिए। साथ ही दोषी जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को दोषी राशन डीलरों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने और गबन की गई राशन सामग्री के संबंध में रिकवरी करने के लिए PDR एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने ग्राम एकटा में जाकर शिकायतकर्ताओं से पूछताछ कर जांच की और खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से वंचित रहे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री मौके पर ही वैकल्पिक राशन डीलरों के माध्यम से वितरित करवाई गई। जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत एकटा में जांच के दौरान दोषी पाए गए राशन डीलरों के प्राधिकार पत्रों को निलंबित किया गया है और राशन डीलर राजवीर सिंह ग्राम दादीपुरा एकटा द्वारा गंभीर अनियमितता किए जाने पर पुलिस थाना बसेड़ी में उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।